अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यार आज फिर से बारिश है दुबई में, तो यार निकलने चाय के लिए निकले हैं और चाय पीना है। थोड़ा सर्दी भी लग रही है, तो ये माहौल है जी, ये देख दुबई का माहौल। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज की व्लॉग। सिग्नल के लिए वेट कर रहे हैं, तो लो जी सिग्नल खुल गया और अभी जी सिग्नल क्रॉस करेंगे, तो गाड़ी रुकी है हमारे लिए जी और अभी से ब्रॉड क्रॉस कर रहे हैं जी। तो पहुँच गए जी चाय के लिए और आयास खड़ा है जी चाय के लाइन में, वहाँ से लेंगे चाय। ओ क्या बात है यार, सर्दी और फिर ये चाय, हाय हाय। तो चले चलते फिलहाल नमाज पढ़ते हैं ये रहा जी मस्जिद। और मस्जिद से निकलते ही फिर से बारिश स्टार्ट हो गई यार, माशाल्लाह इतना तेज़ बारिश यार। मस्जिद से जैसे ही निकले तो ये बारिश फिर से स्टार्ट हो गई और बहुत तेज़ है यार। ओए होए होए होए, थोड़ी रुकी है तो डिनर के बाद बाहर निकले और सिग्नल पे खड़ा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी बारी का, ताकि उस तरफ जाओ। थोड़ा सा काम है, एडाप्टर लेना है मोबाइल के लिए और कुछ चीज़ें वो लेनी है। तो सिग्नल स्टॉप और अब जाएंगे जी उस तरफ। तो चलिए जी रोड क्रॉस करते हैं भाई, सिग्नल खुल गया है, अब हमारी बारी है जी पैदल लोगों की। एडाप्टर ले लिया, केबल तो ऑलरेडी मेरे पास है, एडाप्टर ख़राब हुआ था तो ये लेने गया था और अब वापसी कर रहे हैं जी रूम की तरफ। तो हमारा रूम जो है वो यहाँ पे एक घर है, इसे वेला कहते हैं यहाँ पर, उसमें है। तो उस तरफ जा रहा हूँ, ये देख रिहायशी इलाका है और यहाँ पे फ्लैट्स भी, ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन हम यार घरों के आदि हैं, घर में अच्छे, घर में रहना हम पसंद करते हैं। तो एक वेला है, उसमें हमारा रूम है और काफ़ी खुला रूम है, तो इसीलिए हमने ये सेलेक्ट किया यार। एक दो महीनों की थी बात तो बात है यार, फिर अगर जॉब मिली तो यहाँ पे रहेंगे और नहीं मिली तो वापसी करेंगे सीधा पाकिस्तान। इस वक्त मैं यहाँ खेला जा रहा हूँ यार, इतना फुरामन मुल्क यार, आप रात के 2 बजे 3 बजे भी चले यहाँ पे तो कोई मसला नहीं होता। ये है दुबई जी, सिक्योरिटी सिस्टम इनका काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई मसला नहीं होता। आप रात के 2 बजे घूमें 3 बजे घूमें इन गलियों में, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, ना तो कोई आपसे पूछेगा। यार मेरा 1 महीना हुआ है विज़िट पे हूँ, किसी ने आज तक नहीं पूछा यार कि आपके साथ पासपोर्ट है, वीज़ा है, आप क्या कर रहे हो, एक दफ़ा भी किसी ने नहीं पूछा। कोई अभी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, जब आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे अपने वीज़े के मुद्दत से, तो फिर फोर्ट पे मसला होता है, जुर्माना लगता है और मसले होते हैं। लेकिन मैं तो अपने टाइम पे निकलूँगा यार यहाँ से, और इतना पुरामन मुल्क माशाल्लाह, अल्लाह आबाद रखे ये मुल्क। की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।